सिंध में पानी की चोरी रोकने के लिए नहरों पर रेंजर्स तायुनात करने की सिफारिश की गई है। महकमा दाखिला सिंध ने डीजी रेंजर्स को खत लिख दिया। नारा केनाल, रोहड़ी केनाल एरिया वाटर बोर्ड बदीन से पानी चोरी किया जा रहा है। खत में ये कहा गया है, महकमा दाखिला सिंध की जानिब से कहा गया कि कमिश्नर हैदराबाद ने पानी चोरी से मुतालिक खत लिखा है। बासर लोग आपाशी अमले और इंतजामिया को हिरासा कर रहे हैं। अक्रम बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे लेंगे। अक्रम, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिए। देखिए, इस वक्त सिंध के कई अजला पानी की शदीद कमी का शिकार हैं और मुख्तलिफ केनालों में पानी की कम होने की वजह से जो बासर अफराद हैं वो पानी अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। और इस हवाले से कई दिनों से जो किसान थे उन्होंने इस हवाले से जबरदस्त एहतजाज भी किया, रास्ते भी बंद किए, सिंध हुकूमत ने इसका नोटिस भी लिया। लेकिन अब इस पानी चोरी के खिलाफ जो है ना, महकमा दाखिला सिंध ने डीजी रेंजर्स को खत लिख दिया है। नारा केनाल, रोड़ी केनाल एरिया वाटर बोर्ड बदीन से पानी चोरी किया जा रहा है, खत का मतन है। कमिश्नर हैदराबाद ने पानी चोरी के मुतल्लिक खत लिखा है महकमे दाखिला सिंध। बासर लोग आपाशी अमले और इंतजामिया को हिरासा कर रहे हैं। खत में बताया गया कि महकमा दाखिला ने रोड़ी केनाल, लेफ्ट बैंक केनाल और एरिया वाटर बोर्ड बदीन पर रेंजर तैनाती की सिफारिश कर दी है। पलीली अक्रमवा गुनी केनाल पानी की कमी के बायस मशीनें लगवाकर पानी चोरी की जा रही है। रोड़ी केनाल नसीर आला नुसरतदाद डिवीजन में भी पानी चोरी हो रहा है। मुतालिका नहरों और पानी की गुजरगाहों की निगरानी के लिए रेंजर्स एहलकार तैनात किए जाएं, ये खत में बताया गया। याद रहे कि इस हवाले से सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से भी एहतजाज किया है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि ऊपर से जो है ना मजीद पानी छोड़ दिया गया, लेकिन सिंध में पानी की बेहतर होने में अब कुछ दिन लगेंगे। इस हवाले से पानी चोरी की तदारुक के लिए महकमा दाखिला सिंध ने बाकायदा डीजी रेंजर्स को खत लिख दिया ताकि जो गरीब किसान हैं उन तक भी पानी पहुंचे। जो बासर अफराद हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो इस कम पानी को सिर्फ अपने खेतों तक मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी शिकायत की गई। और इस हवाले से हैदराबाद कमिश्नर ने बाकायदा महकमे दाखिला को खत लिखा और शिकायत की, जिसके बाद महकमे दाखिला सिंह ने डीजी रेंजर्स को इस हवाले से बाकायदा खत लिखकर इतला दी कि वो इन केनालों पर जो है ना जो रेंजर्स एहलकार हैं वो उसकी तैनाती को यकीनी बनाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अक्रम, आपने तफसीलन आगाह किया।